तो जय हिंद भाई लोगों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी बाइक की जो क्लच की वायर होती है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आप बाइक को राइड करते होंगे अपनी, तो आपकी गाड़ी का जो क्लच होता है वो थोड़ा फ्री होता है, फ्री प्ले होता है। तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं घर पर बैठे ही, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो बाइक की फ्री प्ले को कैसे ठीक करें, तो उसके लिए भाई आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, अभी मैं पल्सर का ये कर रहा हूँ, फ्री प्ले जो ठीक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो वहाँ से कितना ढीला है। और अगर आपको मैं इसकी क्लच से दिखाऊँ तो इसका क्लच भी देखो कितना फ्री है। इसको एंगेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक औज़ार चाहिए, हिंदी में औज़ार कहते हैं, ये 13 नंबर का पाना है, ये चाहिए। तो उसको खोलते हैं यहाँ से, 13 नंबर का पाना है हमें, ये एकदम टाइट करना है। मैं बता दूँ आपको, इसको टाइट करना है जो कि जिसकी वजह से हमारा जो फ्री प्ले है वो बंद हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको टाइट, सबसे बेस्ट आप हाथ से कर लीजिए, हाथ से करना सबसे बेस्ट है। एक बार बस खोल लीजिए, फिर इसको हाथ से ही सेट कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कितना करना है। ये हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, बाकी इसको तो मैंने कर दिया है, पूरा टाइट कर दिया है। ज़रा ऊपर की तरफ देखते हैं, क्लच वायर की पूरी ठीक है, आप देख लीजिए बिल्कुल फिट है। जब आप इसको टाइट कर लिए एक बार, ऐसे करके ज़रूर देखिए, और हल्का सा फ्री ज़रूर छोड़िए गाड़ी में ताकि आपकी जो क्लच प्लेट है जल्दी ना घिसे। तो होपफुली भाई, और बाकी ये तो आपने पूरा देख लिया होगा कैसे मैंने इसको सेट किया। जैसे आपने इसकी सेटिंग एडजस्ट कर दी होगी तो इसको थोड़ा टाइट करके बैठा दें, जैसे यहाँ से मैं टाइट कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ से। तो अब इसकी सेटिंग पूरी बैठ गई है, इससे ये बेनिफिट होगा कि भाई हमारी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो जल्दी नहीं घिसेगी, क्योंकि मोस्टली हम काफ़ी टाइम से गाड़ियों की राइड करते हैं। सो इसकी वजह से इसकी जो क्लच प्लेट है, जो इसकी क्लच वायर है, वो सॉरी ढीली हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अपनी बाइक की जो क्लच वायर होती है उसका जो फ्री प्ले है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, घर बैठे कोई भी कर सकता है, बस एक 13 नंबर का पाना चाहिए भाई, हैं। तो भाई होपफुली आप सबने वीडियो को एंड तक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलो। तुम्हारे भाई का चैनल है, नाम है आर टेक ब्लॉग्स बाय रोहित। तो भाई उसके पहले बता दूँ, आपका सपोर्ट यार, आप लोग क्या कहते हैं, एकदम ही ट्रिमेंडस यार, कमाल के हो, मतलब बहुत सपोर्ट करते हो यार। मैंने देखा है भाई, काफ़ी लोग मेरे से YouTube के थ्रू Instagram पे आए हैं, उनसे मेरी बात होती है कि हाँ भाई रोहित भाई आपकी वीडियो के थ्रू हम आए हैं, हमें आपकी वीडियो में ये अच्छा लगा है, और कुछ कुछ बताते हैं यार। थोड़ा बहुत मैं उनका सोल्यूशन दे देता हूँ उन लोगों को कि भाई आप ऐसा करोगे बेटर होगा आपके लिए। अब मैं एक पर्टिकुलर बंदे का नाम तो ले नहीं सकता, तो बस भाई आप सबके लिए एक सैल्यूट है दिल से। हाँ तो भाई अब आपके लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि आप सबको पता ही है कि मैं बाइक्स की वीडियो बनाता हूँ, जितने भी टू व्हीलर्स हैं मैं उन सबकी वीडियो अपने चैनल पे बनाता हूँ, लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कार्स की वीडियो भी बनाना, जो कि आपको इस चैनल पे जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो बस भाई अपना ऐसे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए आर टेक ब्लॉग्स को। तो अब आपसे होगी भाई जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और सपोर्ट करना अपने भाई को।